आज देश में हर दिन तेजी से बढ़ते कोरोना के आंकड़े चिंता का विषय बन गए हैं। इन सब में थोड़ी राहत की बात यह है कि देश में अब कोरोना वैक्सीन की प्रक्रिया जोरों पर चल रही है। इसके साथ ही अफवाह और डर भी मन में बना हुआ है कि वैक्सीन लगवाने के बाद क्या करें, क्या खाएं, क्या ना खाएं। हमने अपने पहली वीडियो में बताया कि वैक्सीन लगवाने से पहले और बाद में क्या खाएं क्या ना खाएं, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ चीजों से परहेज करना भी जरूरी है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। वैक्सीन लगवाने के बाद निम्न चीजों से परहेज करना जरूरी है, जिसमें प्रथम है अल्कोहल और सिगरेट। यदि आप शराब, सिगरेट या तंबाकू का सेवन करते हैं तो वैक्सीन लगवाने के बाद इनसे दूरी बना लें, क्योंकि ये सभी चीजें आपके इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। दूसरा है ज्यादा वर्कआउट करना। एक्सपर्ट कहते हैं कि एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद चूंकि इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है, वैक्सीन लगाने के बाद आप सोचते हैं कि अब आपको कुछ नहीं होगा और आप फुर्ती से वर्कआउट में लग जाते हैं, तो ऐसा करना वैक्सीन को अपना काम करने से रोकना है। नंबर तीन है यात्रा पर जाना। वैक्सीन लगवाने के बाद तुरंत घूमने फिरने ना जाए। वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ लोग सोचते हैं, अरे हमने तो अब वैक्सीन लगवा ली है, अब हमें क्या हो सकता है। तो आपका ये सोचना गलत है। आप किसी न किसी कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आ सकते हैं और आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। खुद को थोड़ा समय दीजिए जिससे आपका इम्यून सिस्टम तंदुरुस्त हो सके, और उसके बाद भी कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर बाहर निकलिए। सतत डॉक्टर के संपर्क में रहें। वैक्सीन लगवाने के बाद आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आपको पहले से ही कोई एलर्जी की समस्या है तो आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। वैक्सीन लगवाने के बाद अपनी सेहत पर नज़र रखें और कोई भी परेशानी के बढ़ने पर तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।